3 घंटे 21 मिनट की इस फिल्म ने इस वक्त तहलका मचाया हुआ है। जी हाँ, फिल्म का नाम है एनिमल। उसमें नजर आ रहे हैं रणबीर कपूर, बॉबी देओल और रश्मिका मंदाना। वेल, इस वक्त बॉक्स ऑफिस का सिस्टम हिला हुआ है। पिछले कुछ समय से मूवी को लेकर काफी बस बना था और ऐसे में रिलीज के बाद शानदार ओपनिंग होना लाजमी था। संदीप रिडिवांगा की फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर ओपनिंग डे पर दमदार कलेक्शन कर डाला है। संदीप रिडिवांगा के निर्देशन में बनी एनिमल ने 1 दिसंबर को सिनेमाघरों में दस्तक दी और बॉक्स ऑफिस पर कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों का रिकॉर्ड ब्रेक करने की ओर आगे बढ़ गई। विकी कौशल के सैम बहादुर के साथ क्लैश होने के बावजूद एनिमल ने एक बम्पर ओपनिंग की है। वेल, रणबीर कपूर और बॉबी देओल स्टारर फिल्म एनिमल को लेकर बस काफी समय से बना हुआ था। धड़ाधड़ एडवांस बुकिंग से माना जा रहा था कि फिल्म एक शानदार ओपनिंग कर सकती है और हुआ भी ऐसा ही। मूवी बॉक्स ऑफिस पर साल की दूसरी सबसे बड़ी ओपनर बन गई। रणबीर ने टाइगर 3 और गदर 2 जैसी फिल्मों को भी पीछे छोड़ दिया है। वेल, रणबीर कपूर की फिल्म एनिमल एक तो नॉन हॉलीडे और नॉन फेस्टिव वीकेंड पर रिलीज हुई। सेंसर बोर्ड की तरफ से ए एडल्ट सर्टिफिकेट मिला। रन टाइम 3 घंटे से भी ज्यादा का है और किसी सुपरस्टार का कैमियो नहीं है, न कोई हिट फ्रेंचाइजी और ऊपर से मचो वेटर फिल्म के साथ क्लैश। इतनी प्रॉब्लम्स होने के बावजूद रणबीर कपूर की फिल्म एनिमल बॉक्स ऑफिस पर छा गई है। गैंगस्टर फिल्म एनिमल ने ओपनिंग डे पर दमदार कलेक्शन किया। फिल्म क्रिटिक के मुताबिक फिल्म काफी अच्छी चल रही है और इस वक्त ये फिल्म 63 करोड़ का नेट कलेक्शन कर चुकी है। सिर्फ हिंदी में फिल्म ने 54 करोड़ का कारोबार किया है। वेल, फिल्म में रणबीर कपूर के करियर की सबसे बड़ी ओपनर साबित हुई है। बात करें स्टार कास्ट की तो रणबीर कपूर के साथ फिल्म में बॉबी देओल, अनिल कपूर, रश्मिका मंदाना, प्रेम चोपड़ा, तृप्ति डिमरी जैसे कलाकारों ने अहम भूमिका निभाई है। फिल्म का निर्देशन कबीर सिंह के डायरेक्टर संदीप रिडिवांगा ने किया है। फिलहाल आपका इस पर क्या कहना है कमेंट करके हमें जरूर बताएं।